हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी सुबह है और अभी टाइम हो गया है, अभी 6:03 हुआ है। अभी बहुत एकदम फुल सुबह है, इन मॉर्निंग हो गई है, देखो है ना। और मैं अभी अपना डांस वीडियो शूट करूँगी यहीं पे टेरेस पे, और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कुछ इस वीडियो के ज़रिए। सो आप लोग वीडियो एंड तक देखना। ओके, इतनी सुबह सुबह उठ के मुझे वीडियो शूट करना होता है। सो पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, पहले रेडी हो जाऊँ उसके बाद आऊँगी वीडियो शूट करने यहाँ पे टेरेस पे। बहुत धूप हो जाती है इसलिए वीडियो मेरा अच्छा नहीं शूट होता है। उसके बाद फिर मैं बताऊँगी आप लोगों से, कुछ बात शेयर करूँगी, व्लॉग एंड तक देखना। ओके, यहाँ पर मुझे अभी वीडियो शूट करना। सुबह का मौसम है कितना, और अभी हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। सो गाइस, अभी मैं ड्रेस अपने चेंज कर चुकी हूँ, मैं ऐसे ड्रेस में अपना डांस वीडियो शूट करूँगी। और देखो, अभी सुबह ज़्यादा अच्छी नहीं हुई ना, तो ब्लर आ रहा है वीडियो। ये देखो मेरी सामान, ये मेरे सामान, इसको भी मुझे पहनना है, इसको लगाना है फेस पे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Turning truth to lies, gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. सो गाइस, अभी मैं रेडी हो गई, देखो ये मैं रेडी हो गई। और वो शिवा अभी सो के उठा है। शिवा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवा ये वीडियो शूट कर रहा है, इसको ज़बरदस्ती उठाए हूँ तभी उठा है। आज इसका एग्ज़ाम है इसलिए जल्दी उठाया, नहीं तो उठता नहीं है। नंबर एक का ही हड़ इंसान है, आलसी। आलसी। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ टेरेस पे वीडियो शूट करने के लिए। ये देखो, मैं रेडी हो रही थी और व्लॉग बनाना था उसका, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो शूट करने के लिए। धूप निकल आई हल्की हल्की,
अगर धूप निकल आती है ना तो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाता है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी करते हैं कि जल्दी से वीडियो शूट कर ले, रेडी हो गए। चलो थोड़ा भी जल्दी हो ही गया है, चलो पहले वीडियो शूट करते हैं ना। पापा भी आ गए, गाइज मेरा वीडियो तो शूट हो गया, मेरा डांस वीडियो शूट हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखो भी कितनी धूप निकल आई है, लेट हो गए थे आज, अगर फेस पे थोड़ा सा भी धूप पड़ गई ना तो एकदम ब्लर सा वीडियो आ जाता है, एकदम बेकार वीडियो बनता है, ब्लर एकदम पूरे वीडियो में ब्लर ब्लर आ जाता है। जी जितना अच्छा डांस करो अच्छा ही नहीं लगता, बहुत थक गए। ये देखो चारों तरफ दूर भी तो है। चलो पहले अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। चलो गाइज मेरा वीडियो शूट हो गया है और अभी मैं नीचे आ गई हूँ, अभी थोड़े फोटो वोटो शूट करवाए थे, उसके बाद अब नीचे आ गए। बहुत धूप हो गई छत पे और मैं अपना गेटअप चेंज करने जा रही हूँ। शिवा, ओए शिवा, शिवा गुस्सा हो गया, शिवा को डांट दिया मैंने। चलो मैं अपनी ड्रेस अच्छे चेंज करूँ, उसके बाद कुछ बताना है आप लोगों से, शेयर करना ओके, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। हेलो गाइस, गाइस मेरा वीडियो तो शूट हो गया है। सो गाइस ऐसे ही मुझे जब वीडियो शूट करना होता है ना डांस के वीडियोस, तो मुझे ऐसे ही सुबह जल्दी उठना पड़ता है और फिर रेडी होते हैं, वीडियो शूट करते हैं। और आज तो मुझे रिहर्सल करना पड़ा था बिकॉज कल मेरे पास टाइम नहीं था, तो कल मैं नहीं कर पाई थी रिहर्सल, तो मुझे आज ही करना पड़ा था, उसके बाद मैं वीडियो शूट करने गई थी। और नहीं तो बार बार रिटेक लेना पड़ता है वीडियो शूट करने में, अच्छे से स्टेप नहीं बन पाते हैं। सो मैं ये कहने जा रही हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हाय दैया ये वीडियो बनाती है, ये देखो इनके पास कोई काम है नहीं, वीडियो बनाती हूँ, भाई हम वीडियो ही तो बनाते हैं और किसी के काम थोड़ी ना करने जाते, अपने घर में हैं वीडियो बनाते हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली हमारा सपोर्ट कर रही है, तो आप लोगों की वजह से हम इतना आगे बढ़ गए हैं। आप लोग सपोर्ट करते हो, हमसे प्यार करते हो, तो ऐसे गाँव में होते हैं ना, मतलब कि गाँव में सोसाइटी में मोहल्ले में बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हाय दैया वीडियो बनाती हूँ, इतने रुपया कमाइए भाई। और कोई कोई तो मुझसे पूछता भी है कि तुम्हें इतने फॉलोअर्स हुई हैं, तुमको रुपये भी मिलते हैं, हे भगवान उनका को समझावे, किसी से रुपये लेना इतना आसान काम नहीं होता है। और फिर अगर हम रुपयों के पीछे भागेंगे ना, तो आप लोग जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हो प्यार दे रहे हो, ये मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। इतने आगे मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं वीडियोज़ में और 10,000 के ऊपर मेरे व्यूज हैं हर एक वीडियो में। और मेरा एक वीडियो है प्रेम रतन धन पायो, उसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज हो गए हैं। आप लोगों की वजह से तो है, सपोर्ट की वजह से, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो इतना मैं कहाँ बढ़ पाऊँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो लोग ऐसा कहते हैं ना, तो उनके लिए है ये वीडियो कि अगर आप लोग हम जैसे लोगों का सपोर्ट और मोटिवेट नहीं कर सकते हो हम लोगों को, तो प्लीज़ हम लोगों को डिमोटिवेट भी मत कीजिए। आप जितना हम जैसे लोगों पर या हमारे ऊपर जितना आप ध्यान रखते हो ना, अटेंशन रखते हो, उतना ही ध्यान अपनी लाइफ में दो कि हम क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। खुद की लाइफ में कोई गोल है नहीं, हम जैसे लोगों पर उंगलियां उठाते हो वीडियो बनाती हैं, वीडियो बनाना कोई गलत काम है क्या? हाँ हमें घर में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। प्लीज़ मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी मत कीजिए, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और हो रहा है। क्यों करते हो ऐसा, खुद की लाइफ में ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को मत देखो, वो तो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दो, एक दूसरे से बोलते रहते हैं। और होते हैं ऐसे गांव में बहुत सारे लोग हैं, कहते रहते हैं वीडियो बनाती हैं इतने रुपया कमाती हैं, हम वीडियो बनाते हैं तुमको क्यों खलन होती, तुम भी वीडियो बनाओ ना,
तुम्हारे भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, एक नाक, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम भी बनाओ ना। तुम क्यों जलन होती है? गाइज, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो हमारे सामने तो नहीं कहते हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जो बातें बताई हैं, वो हमारे सामने तो नहीं कहते हैं कि हमारे मुंह पे कहें, लेकिन हमारे पीठ पीछे, मतलब छुप छुप के किसी और से कहते हैं, मतलब कि आसपास के लोगों से कहते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, सोसाइटी में, हमारे आसपास पड़ोस में, जो ऐसा निगेटिविटी फैलाते हैं और जिनको मतलब कुछ करना भी नहीं आता, बट फिर भी दूसरे के बारे में उंगली ज़रूर उठाएंगे, उंगली ज़रूर करेंगे उसके काम में। ये करती है काम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा ड्रीम है, हमारा पैशन है, प्रोफेशन है, हमारा गोल है ये, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में कोई गोल है? अगर हो तो आप उसको पूरा कीजिए, नहीं है तो उसको बनाइए गोल। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। क्या आप लोगों के यहाँ भी है कोई ऐसा जो ऐसा निगेटिविटी फैलाते हैं? हर जगह लोग मिलते हैं, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, चाहे जहाँ जाओ। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि देखो, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, वीडियो शूट करते हैं, हमारे साथ पापा, शिवा, मम्मी, सब लोग परेशान भी हो जाते हैं, वो लोग कि सुबह जल्दी उठना है, वीडियो बनाना है, और साथ में हमारी हेल्प भी करते हैं, वीडियो शूट करवाते हैं मेरा, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन डीमोटिवेट भी मत कीजिए। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, डीमोटिवेट भी मत कीजिए, प्लीज़। सो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके? मैंने सही बोला या गलत बोला? अगर गलत बोला है तो मैंने क्या गलत बोला, वो कमेंट करना। मैं जानबूझ के सब नहीं कह रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है ऐसा, तभी मैं ये बोल रही हूँ। नहीं तो मैं आराम से अपना काम करूँ, मुझसे क्या मतलब इन सब चीज़ों से। लेकिन होते हैं ना लोग, बहुत परेशान कर लेते हैं, ना तो खुद करना है उनको कोई काम, ना किसी को करने देते हैं, बहुत परेशान है भैया। और पता क्या गाइस, बहुत सारे लोग मतलब मेरे घर भी कहने आए हैं, मम्मी से बोल रहे हैं कि ये क्या काम करती हैं, पैसे वैसे मिलते नहीं, छोड़ो ये सब काम, वीडियो बनाना, पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी से रुपए लेना इतना आसान काम नहीं है, ये फ्री में तुमको रुपए देते हैं, मेहनत करनी पड़ती है हर फील्ड में, तभी आपको रुपए मिलते हैं। और जो लोग कहते हैं ना, वीडियो बनाती हैं भाई, रुपया कमाए लगी हैं, ये है वो है, फलाना ढमाका, यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो क्या फ्री में उनके पास टाइम है जो वीडियो बनाते हैं? मेरा कहने का मतलब है, अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करना चाहते या हमें मोटिवेट नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ हमें डिमोटिवेट भी मत कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, हमारे वर्क में इंटरफायर मत कीजिए, प्लीज़। नहीं सपोर्ट करना मत कीजिए, बट इंटरफायर मत कीजिए हमारे वर्क में, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को, चाहे जितना बोलो। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट किया है, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं और भी आगे जाऊँ। मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, और मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह सभी लोग प्लीज़ मेरे को ऐसे सपोर्ट करना, ताकि मैं बहुत आगे तक जाऊँ। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़, और बताना मैंने जो भी बोला है वो कमेंट करके जरूर बताना कि सही है या गलत, मैंने सही बोला कि गलत बोला। ओके, अगर गलत बोला है तो मैंने क्या गलत बोला वो भी कमेंट कर देना, ताकि मैं समझ जाऊँ और कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू, लव यू ऑल।